कोरोना संकट के बीच कांगड़ा एयरपोर्ट पर सोमवार से हवाई सेवा शुरू हो गई। सोमवार को कांगड़ा एयरपोर्ट पर 3 फ्लाइटें आनी थी, लेकिन सबसे पहले स्पाइसजेट की फ्लाइट यात्रियों को लेकर कांगड़ा पहुंची। कोरोना संकट के चलते एयरपोर्ट पर हवाई सेवा और यात्रियों की सुरक्षा का बेहतर इंतजाम किया गया था। कांगड़ा एयरपोर्ट पहुंची स्पाइसजेट की हवाई जहाज में दिल्ली से 45 यात्री पहुंचे हैं, जबकि हवाई जहाज की क्षमता 80 की थी, लेकिन भारत सरकार के निर्देशानुसार सोशल डिस्टेंसिंग की अनुपालना करते हुए 45 यात्री ही आए हैं। स्पाइसजेट के विमान ने 12:20 पर कांगड़ा एयरपोर्ट पर लैंडिंग किया और 20 मिनट बाद यह विमान पुनः दिल्ली के लिए रवाना हो गया। इस अवसर पर SDM कांगड़ा जतिन लाल और DSP कांगड़ा सुनील राणा भी मौजूद रहे। कांगड़ा से बाहर आने और जाने वाले यात्रियों ने मास्क पहने हुए थे, सोशल डिस्टेंसिंग का अनुपालना करते हुए एयरपोर्ट में प्रवेश किया। जो भी यात्री बाहरी राज्यों में जाने के लिए एयरपोर्ट पहुंचे, उनके सूटकेस बैग सैनिटाइज किए गए, वहीं हैंड वॉशिंग के साथ थर्मल स्क्रीनिंग भी की गई। एयरपोर्ट परिसर में सोशल डिस्टेंसिंग के लिए स्पेशल मार्क लगाए गए थे, जिससे यात्री सोशल डिस्टेंसिंग अपनाते हुए गोले में खड़े होकर एयरपोर्ट में प्रवेश के लिए अपनी बारी का इंतजार करते देखे गए। कांगड़ा एयरपोर्ट के निदेशक किशोर शर्मा ने बताया कि हवाई सेवाओं के शुरू करने को लेकर मंत्रालय की ओर से जो निर्देश प्राप्त हुए हैं, उन्हीं के अनुरूप व्यवस्थाएं एयरपोर्ट पर की गई हैं। उन्होंने बताया कि सोमवार को 3 फ्लाइटें आनी थी, वहीं राज्य से रेड, ग्रीन और ऑरेंज जोन से आने वाले यात्रियों को लेकर जिला प्रशासन से बैठक हुई है तथा प्रशासन के लोग फ्लाइट आने पर एयरपोर्ट पर उपलब्ध रहेंगे, जो कि यात्रियों की डिटेल एयरलाइन से भी लेंगे। एयरपोर्ट अथॉरिटी की तरफ से नियम के आधार पर, मिले हुए मिनिस्ट्री के इंस्ट्रक्शंस के आधार पर सारी व्यवस्थाएं कर दी गई। 3 फ्लाइट शुरू हो रही है, 1:12:20 पे है, 1:30 बजे है, 1:15 बजे है। रेड जोन, ग्रीन जोन, ऑरेंज जोन, इसके लिए एक मीटिंग हुई थी हमारी DC के साथ। उनके आदमी अराइवल के टाइम पे अवेलेबल रहेंगे, वो सारा डिटेल उन पैसेंजरों से एयरलाइंस के थ्रू लेंगे और एयरलाइंस बताएगी कि कौन सा रेड जोन से आ रहा है, कौन सा ग्रीन जोन से आ रहा है, और पैसेंजर भी अपनी पूरी एड्रेस, मोबाइल नंबर वगैरह सब लिख के देंगे। अब ये डिपेंड करता है DC साहब के ऊपर कि वो उनको किधर भेजते हैं। पैसेंजर्स का डिटेल आपको एयरलाइंस दे पाएगा, ये हमसे रिलेशन नहीं है। पैसेंजर्स, मैं देख रहा हूँ बाहर फ्लाइट फुली जा रही है और फुल आ रही है, काफ़ी दिनों के बाद चालू हुई है इसलिए रश भी बहुत ज़्यादा है। उनको अपना आरोग्य सेतु लोड करना ज़रूरी है, ग्रीन में रहना चाहिए और अपना IDENTITY कार्ड, अपनी टिकट सब टच फ्री है। यहाँ पे वेब कैमरा पे वो दिखाएंगे, जैसा कि आपने बाहर देखा होगा, दिखाएंगे तभी उनको अंदर जाने को मिलेगा। उनका सामान पहले सैनिटाइज हो जाएगा, हैंड्स वगैरह, शूज़ वगैरह सब सैनिटाइज करते हुए वो अंदर जाएगा और जाने के बाद टच फ्री काम करेगा अप टू एयरक्राफ्ट। ऐसे के लिए आपने देखा होगा कि बाहर हमने 2 सोफ़ा लगा रखे हैं जो पुलिस के काउंटर के बगल में हैं, उनको हाल फिलहाल वहाँ बैठा दिया जाएगा। फिर स्टेट गवर्नमेंट को इन्फॉर्म कर देंगे कि साहब ये रेड दिखा रहा है, इनका क्या व्यवस्था करना है आप देख लीजिए, और एयरलाइंस और स्टेट गवर्नमेंट मिलकर उसकी व्यवस्था करेंगे।